नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया और आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। खबर है जनपद अयोध्या के तहसील रुदाली के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से, जहां पर प्रमुख सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन श्री अनिल गर्ग द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जनपद अयोध्या के दो दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुदाली का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुदाली के अधीक्षक डॉक्टर मदन बरनवाल प्रमुख सचिव को पुष्प भेंट करते हुए वेलकम किया। प्रमुख सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन नोडल अधिकारी श्री अनिल कुमार गर्ग ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बने सभी कक्ष का निरीक्षण किया। निरीक्षण करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद पेशेंट की दवाइयां तथा अस्पताल में हो रही परेशानियों के बारे में पेशेंट से जानने की कोशिश की। प्रमुख सचिव ने निरीक्षण के दौरान दंत चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संध्या सिंह कुशवाहा से वार्तालाप की। वार्तालाप के दौरान डॉक्टर कुशवाहा ने कहा कि अस्पताल में पेशेंट के उपचार के दौरान हो रही असुविधा नोडल अधिकारी ने अच्छे उपचार को बेहतर बनाने के लिए लिया संज्ञान, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिया निर्देश। तत्पश्चात प्रमुख सचिव ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बने कक्ष का विधिवत निरीक्षण किया, जिसमें दवा वितरण रूम, एक्सरे रूम, महिला रूम, सर्जन रूम, इमरजेंसी रूम, बाल रोग विशेषज्ञ रूम, ड्यूटी रूम, डिलीवरी रूम, ऑपरेशन रूम। निरीक्षण के दौरान प्रमुख सचिव की नजर पानी टंकी पर पड़ी। खराब पाई जाने वाली पानी टंकी को तत्काल दुरुस्त करवाने का निर्देश दिया। प्रमुख सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन नोडल अधिकारी श्री अनिल कुमार गर्ग ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड लाभार्थियों के 100% कार्ड बनाने तथा उसी से उपचार करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी अयोध्या नीतीश कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या प्रशांत वर्मा, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अतुल सोनकर, रुदौली क्षेत्राधिकारी संदीप सिंह, रुदौली उप जिलाधिकारी स्वप्निल यादव, मवई थाना प्रभारी नीरज सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी अयोध्या अजय राजा, मदन बरनवाल, ANM ब्रजेश यादव, डॉक्टर संध्या सिंह कुशवाहा, डॉक्टर प्रियंका यादव सहित स्वास्थ्य कर्मी के साथ साथ अस्पताल के कर्मचारी व अधिकारी रहे मौजूद। अमरनाथ यादव की रिपोर्ट। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नया भारत दर्पण समाचार।